हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंट फैक्ट पे, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया जाता है। आज की हमारी वीडियो वो होने वाली है दोस्तों, जेड 2009 का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, उसके जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन था दोस्तों, उस पर आज की हमारी वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपना एक नंबर क्वेश्चन है कि भी अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है, यानी कि जो अम्लीय मृदाएँ होती हैं उनको सुधारने के लिए क्या डाला जाता है। तो दोस्तों, जो चूना है वो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए डाला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जो होती हैं दोस्तों अम्लीय मृदाएँ होती हैं उनमें चूना हो गया, और जो क्षारीय मृदाएँ होती हैं उनमें दोस्तों जिप्सम डाले जाती हैं, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों जो अपना 2 नंबर क्वेश्चन है कि भी निम्न में से किस राज्य में वायु मृदा क्षरण सबसे कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है, सबसे कम वायु क्षरण सबसे कम किस में होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो देखिए राजस्थान में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो सबसे कम कहाँ पे होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे होता है दोस्तों, वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों के में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइजोबियम हो जाएगा ऑब्वियसली दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है कि भी कच्ची अस्थि चूर्ण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कच्ची अस्थि चूर्ण यानी कि हड्डियों का चूर्ण होता है, हड्डियों में क्या पाया जाता है, अपने फॉस्फोरस होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, आइसोप्रोटोरियन है एक, तो आइसोप्रोटोरियन दोस्तों खरपतवार नाशक खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। ये मुख्यतः जो गोली डंडा होता है, जो गेहूं सा होता है दोस्तों, गेहूं का मामा, उसमें डाला, उसको नष्ट करने के लिए डाला जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन है, कभी निम्नलिखित में से किस फसल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसके अंदर गेहूं, चना, आलू दी गई है। तो गेहूं में दोस्तों ज़्यादा 6 वो होती हैं क्रांतिक अवस्थाएं, गन्ना भी 1 वर्षीय ज़्यादा चाहिए, आलू में भी ज़्यादा चाहिए, चना है वह दोस्तों बिरानी फसल मानी जाती है, यानी कि सूखे में भी उगाई जा सकती है, तो इसमें कम जो है वो आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चना। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 7 नंबर क्वेश्चन है कि भी सामान्यतः फव्वारा पद्धति में उपयोग आने वाली पाइप की लंबाई होती है। तो दोस्तों 6 मीटर होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वो होती है 600 मिलीमीटर, यानी कि लगभग 60 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है, पार्शल फ्लूम द्वारा मापी जाती है। तो सिंचाई जल की जो मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 10 नंबर क्वेश्चन है, बोने गेहूँ की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं। तो दोस्तों जो बोने गेहूँ है उसके अंदर जो 35 दिन बाद करते हैं बुआई के, 2,4-D का यूज़ किसके लिए, जो चौड़े पत्ती वाले, जो मतलब उसके अंदर बथुआ होता है उसको नष्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों बुआई के 35 दिन बाद। दोस्तों इसके बाद में जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है, पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है। तो दोस्तों वो सरसों का नाशक कीट है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 12 नंबर क्वेश्चन है कि भी जई की जो फसल है वो राजस्थान में किस ऋतु में उगाई जाती है। तो जई की जो फसल है वो दोस्तों राजस्थान में रबी ऋतु में उगाई जाती है, रबी सीजन में उगाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन के भी 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त किया जाता है। तो 33 किलोग्राम किया जाता है, यानी कि 33% तेल होता है, ठीक है, तो 33% यानी कि 33 किलोग्राम हो जाएगा 100 में से। इसके बाद में RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है। तो ये जो दोस्तों चने की उन्नत किस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो आगे वाला क्वेश्चन है अपना 15 नंबर क्वेश्चन, किस फल के पौधों में परागण आदमी द्वारा कराना आवश्यक है। तो दोस्तों जो कृत्रिम परागण है वो खजूर की एक जो है विधि है दोस्तों, उस जो एक मुख्य विशेषता है, कृत्रिम परागण है वो खजूर में कराया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में दोस्तों जो आगे वाला क्वेश्चन है, सेब किसकी किस्म है। तो दोस्तों बेर की है सेब जो किस्म है वो, एक छुआरा किस्म भी सेब की है दोस्तों, नाम अलग है लेकिन ये इसी की किस्म है। इसके बाद में दोस्तों जो आगे वाला क्वेश्चन है अपना, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में खजूर के 8x8 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने पर कितने पौधे लगेंगे, 8x8 मीटर की दूरी पर कितने पौधे लगेंगे। तो 156 पौधे लगेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, कभी बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों फफूंद जनित जो रोग होते हैं उनके नियंत्रण में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो आगे वाला क्वेश्चन है, कभी बोअर सिस्टम किस फल का सिस्टम है, इनकी बोअर सिस्टम किस फल का सिस्टम है, किससे संबंधित है, तो दोस्तों अंगूर के पौधों को साधने की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, बोअर सिस्टम अंगूर के पौधों को साधने से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है 20 नंबर, कंचन किसकी किस्म है, तो आंवले की किस्म है दोस्तों कंचन, ठीक है। कंचन कैसे याद रख सकते हैं कि कंचा जो हम खेलते हैं, ठीक है, कंचा गोली, वो आंवले के समान होती है, ठीक है, गोल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कंचन यानी कि क्या हो जाएगा, आंवला, आंवला ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है कि फालसे के पौधे में कितनी उपज होती है, फालसे के एक पौधे आएगा 5 किलोग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रसंस्करण के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल से के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त होती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1-2 यानी कि 30 किलोग्राम प्राप्त होती है भूसी। इसके बाद में दोस्तों जो 23 नंबर क्वेश्चन है अपना कि भी साधारणतः सफ़ेद मूसली को कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए उपयोग लिए जाने वाले फलों में ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तो पेक्टिन व अमल होना चाहिए, ये दोस्तों जो 2010 वाला ही अपनी वीडियो थी उसमें भी हमने देखा था कि वहाँ पे पूछा गया था कि जो जेली के लिए है वो फल में क्या होना चाहिए, तो उसमें पेक्टिन होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, बात वही है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है कि भी फलों के रस के परिरक्षण में कौन सी रासायनिक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, तो रस के परिरक्षण में जो सोडियम बेंजोएट यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है 26 नंबर, मुख्यतः अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधीय बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो जड़ें होती हैं अश्वगंधा की वो ज़्यादातर काम में ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बकरवाल है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेर की एक का फल सबसे बड़ा या भारी होता है, तो वो उमरान का होता है दोस्तों, सबसे भारी और बड़ा बेर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे वाली जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति है वो अच्छा दूध का उत्पादन देती है, तो सोनाड़ी जो है वो दोस्तों वो अच्छा दूध देती है, ठीक है, सोनाड़ी जो नस्ल है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है अपना भी, गाय का दूध यानी कि गाय में दूध का बुखार यानी कि जो मिल्क फीवर होता है दोस्तों वो किस कारण होता है, तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ये लगभग जो बयाने की है वो दोस्तों कुछ दिन बाद होता है दोस्तों। ये जो गाय भैंस के जो रोग है दोस्तों, पशुपालन पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ब्याने के कुछ दिन बाद जब हम खीस के अंदर, आपको पता है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम पूरा दूध निकाल लेते हैं, कुछ दूध छोड़ते नहीं है, तो उसके अंदर दूध की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो दुग्धजोर की एक खासियत होती है दोस्तों, एक विशेष बात होती है कि और कोई रोग लगता है तो तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तापमान घट जाता है दोस्तों, शरीर है वो ठंडा हो जाता है, तो दोस्तों ये जो दुग्धजोर होता है दोस्तों वो कैल्शियम के कमी के कारण होता है दोस्तों। तो इसके ऊपर आगे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है दोस्तों, नीचे अगर आप कमेंट करोगे तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी, आपको उसके अंदर मेंशन भी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का जो पीलापन है वो किसके कारण होता है, तो दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है पीलापन, जो कि मैंने आपसे एक पीछे वाली वीडियो में पूछा था और उसका राइट आंसर भी दिया था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक आया था कमेंट उसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों जो ये कैसीन है, ये मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो दूध गाय का, जो भैंस का दूध होता है उसका जो सफ़ेद रंग है वो किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपना 32 नंबर क्वेश्चन है, रानीखेत किससे संबंधित है, तो ये मुर्गी से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है 33 नंबर, ये बंदियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग में लिया जाता है, तो बर्डी जो है दोस्तों जो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध की जो वसा होती है दोस्तों वो मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
इसके बाद में दोस्तों जो अपना 35 नंबर क्वेश्चन है, कभी नकलिंग किसकी विधि है, नकलिंग से क्या है, ठीक है दोस्तों, तो गाय भैंस के दूध निकालने की विधि है नकलिंग। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, दूध में निम्न उत्पादों में से किस में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है दोस्तों, तो घी में होती है 99% वसा। इसके बाद में दोस्तों जो अपनी आगे वाले क्वेश्चन है कि पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है, तो सिंगरौदन के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों, इनके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अपना 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, तो दोस्तों जो रिंडरपेस्ट है वो यहाँ पे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध उपयुक्त है, तो भैंस का दूध उपयुक्त है दोस्तों खोआ बनाने के लिए। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले मुर्गी के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है 1,000 मुर्गियों के लिए, तो 0.25 एकड़, यानी। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से कमेंट करना कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करना ज़रूर दोस्तों, कमेंट करने से वीडियो वो आगे जाएगी आगे तक, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना नीचे। अगर वीडियो के बारे में करना है तो उसके बारे में कर देना, किसी टॉपिक को समझना हो तो उसके बारे में कर देना, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।